सो हेलो गाइस, क्या आप भी चाहते हो कि ट्रिगर्ड इंसान के रोस्टेड जो भी थंबनेल अभी के टाइम में बन रहे हो उनके थंबनेल क्रिएट करना? तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहो, इस वीडियो को फुल वॉच करना एंड मैं इस वीडियो को काफी अच्छे तरीके से आपको एक प्रूफ दूंगा कि कैसे आप उनके जैसे थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा नाम संजू और फाइनली संजू टेस्ट मीडिया में आपका स्वागत है बिना कोई टाइम पास के मोबाइल के होम स्क्रीन। सो हेलो गाइस, इस टाइप के थंबनेल बनाने के लिए पहले तो काइनवास्टर में जाना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक जो होगा वो मूव करने का नहीं आता है पिक्सल में, तो उसके लिए हम लोग को काइनवास्टर में जाना पड़ेगा। एंड जैसे ओपन हो जाता है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, सिर्फ ब्लैक ले लेना और ब्लैक लेने के बाद एक पैक क्लिक करना, फिर कलर पर जाकर यहाँ पे ग्रीन ले लेना। ठीक है, ग्रीन लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हो, आपको लेयर पे जाना है और जो भी फोटो पे आप बनाना चाहते हो उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं चूज किया और ये वाला फोटो, और यहाँ पे मैं क्रॉप में गया और क्रॉप में जाके यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाला फ़ोटो, और इस तरीके से आप यहाँ पे जाना है, फिर क्रॉपिंग में जाके यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है, एक बार क्लिक करोगे इस तरीके से खुल जाएगा, दूसरे पे सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इतना पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कैप्चर एंड सेव पे जाना है और सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इमेज साइज जो होती है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और जो थंबनेल था ना उसको आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे फॉर्म गैलरी पे जाके, और वो जो थंबनेल बना रहे थे हम लोग उसी थंबनेल को पहले हम लोग एडजस्ट कर देते, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस स्टेप से थंबनेल बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ये वाला थंबनेल था। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक जो थंबनेल बैकग्राउंड है उसको मैं दे दिया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाके डाउनलोड कर लो। फोटो पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे आके ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको आपको साइज में बड़ा कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब इसको काम हो गया। यहाँ पे लॉक में मारना है और यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना है, और थोड़ा सा कलर में थोड़ा चेंज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं किया और थोड़ा सा यहाँ पे साइड दे देता हूँ, अलग से लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे इनेबल किया और इसका थोड़ा सा सेंसिटिविटी है थोड़ा सा डाउन करके, और इतना पे सेट कर देता हूँ ये। ठीक है, अब इसके बाद फोटो प्लस पे जाना है, फॉर्म गैलरी पे क्लिक करना है। फॉर्म गैलरी पे क्लिक करोगे तो आपको वो कैरेक्टर का फ़ोटो जो होगा अपना, उसको ऐड करने के लिए आपको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा, ताकि इसमें जितना बड़ा फेस होता है उतना अच्छा थंबनेल लगता है। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, एंड यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से सेट हो गया। अब इसके बाद फिर से प्लस पे जाना है, और जो सर का था या तो लॉक भी कर सकते हो, वैसे ही छोड़ सकते हो। तो जैसे हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है, फ़ोटो पे जाना है, और फ़ोटो पे जाने के बाद ये वाला हम लोग बनाए थे वहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जाओगे, इरेज वाला सेक्शन दिख रहा है, इरेज कलर इस पर जाना है और इसको इनेबल करके, और ये चूज वाला मार्कर जो है इस पर गिरा के और साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, 20 पे करीब कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे जो आता है ना ये जो शैडो करके, इसके साइड में आपको यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रोक करके, इस स्ट्रोक को दे देना है, और दो भी दे सकते हो, तीन दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे इसका जो साइज है उसको आप बढ़ा सकते हो, तो मैं देखता हूँ इतना पे रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मैं शैडो दे देता हूँ ताकि एक फ़ोटो अच्छे से कवर में आ जाए। ठीक है, तो देख सकते हो कवर में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे टैक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, और वो फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पे प्रेस करना है, ऊपर साइड में स्लाइड करना है, और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो थंबनेल के पीछे एक टैक्स रहा है, तो टैक्स में यहाँ पे मैं लिखता हूँ संजू। ठीक है, यहाँ पे पूरा कैपिटल में लिखता हूँ संजू, और यहाँ पे ओके प्रेस किया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसका जो बोल्डिंग पार्ट है, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट पे जाके, और फॉन्ट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको इनेबल कर देना है कोई भी, तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आप जितने फॉन्ट को यूज करना चाहते हो कर लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा इनेबल रोटेट में कर देना है, और इसके पीछे यहाँ पे इसके पीछे ले जाना है, तो मैं यहाँ पे ले गया, और यहाँ से जो इसका एप्सिसिटी है उसको डाउन कर देना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये डाउन हो गया, तो यहाँ पे लगे ना, देख सकते हो पूरा हो चुका है।
अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो एक इमोजी था तो पहले हम लोग टैक्स दे देते हैं, ठीक है। पहले टैक्स दे के उसके बाद इमोजी डाल देंगे, यहाँ पे क्लिक करते हो और किस इस तरीके से, और फिर लिख देता हूँ संजू इज बैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजू, यहाँ पे कैप्टन में और ओके प्रेस किया। और जो फॉन्ट है आप फॉन्ट यूज कर सकते हो अपने थंबनेल के, जैसे कि इंटेलिक इसमें यूज किया गया है तो मैं उसको कर लेता हूँ। वैसे मेरा फॉन्ट डिलीट हो गया है, बहुत सारा फॉन्ट था मेरे में डिलीट हो चुका है, कुछ मिस्टेक के कारण डिलीट हो चुका है। अब इसके यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटेलिक में कर देना है। तो बी पे क्लिक करोगे, स्टाइलिश पे और इंटेलिक पे क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं इस तरीके से, हालांकि ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप फॉन्ट अच्छे अच्छे रखे होगे तो उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसी को, कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे एक स्पेस मार देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा शैडो दे देना है ना, शैडो दोगे तो फोटो पे लगेगा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप कलर कैसे फिल करोगे, कलर पे जाके और यहाँ पे ग्रेडियंट में जाना है, और ग्रेडियंट पे जाके यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। पहले येलो सेलेक्ट करना है और साइड में जाके यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे रेड कर सकते हो अपने, ठीक है। तो जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रोक भी दे सकते हो, स्ट्रोक दोगे तो आपका जो लेटर होगा वो अच्छे से क्लियर दिखता है, तो आप दे सकते हो इसके हिसाब से। देख रहे हो यहाँ पे एक क्लियर दिखता है, तो आप दे सकते हो या फिर नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। तो जैसे कि वहाँ पे जो थंबनेल बना है ना, ब्लैक जो ब्लैक बैकग्राउंड है तो अच्छा से क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोई अलग कलर है, यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट पे जैसे जाओगे आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे वो है ना कि आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन टेक्स्ट अच्छा लग रहा है कौन नहीं, तो ये अपने हिसाब से कर लेना, ताकि मैं अगर बताने लगूँ तो वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलिक पे जाके और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करना है, सिल्वर है ना तो कलर पे जाना है, और ग्रेडियंट यहाँ पे देखो मैं कौन सा सेलेक्ट किया हूँ, तो सॉरी थोड़ा सा और मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे बैक को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे स्लाइड करके और कलर पे जाना है, कलर ये रहा यहाँ पे जाना है, और ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसको आपको सेलेक्ट करना है वाइट में ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ले जाना है। तो अभी वाइट ही पूरा कर देते हैं, यहाँ पे वाइट पे जाके और पूरा वाइट ही कर देते हैं, और यहाँ पे इसको स्ट्रोक दे देना है इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो पूरा स्ट्रोक हम लोग दिए हैं दोनों में, तो कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद इस तरीके से आप बहुत ही नॉर्मली ट्रिगर इंसान के जैसा बना सकते हो, देख रहे हो। और यहाँ पे इमोजी था तो फॉर्म गैलरी पे क्लिक करोगे, और नई फॉर्म गैलरी पे आपके पास होगा तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर सकते हो नॉर्मल में। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे न्यू टैक्स है ना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दवाई प्रेस करना, और इस तरीके से जो वीक कमेडियंस हैं उसको यहाँ पे यूज करके ओके कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे साइज बड़ा कर देना है, देख सकते हो इस तरीके से। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो आसानी से, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे जो इसका साइनिंग्स होता है जो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। तो देख सकते हो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, या मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो देख सकते हो बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और इस तरीके से कार्टून पे जाके अल्ट्रा पे करके इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो मेरा बैग जो है थोड़ा सा अलग लगा, तो अब इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टम पे अल्ट्रा पे करके इसको गैलरी में सेव कर देना है। जैसे कि ये वीडियो बन चुका है, और आपको ये थंबनेल अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।